नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कन्या पूजन सहित मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा में लेंगे भाग। बुधवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने विधि विधान से की महानिशा पूजा। सात्विक बलि देकर व हवन अनुष्ठान के बीच आदि शक्ति से की लोक कल्याण की मंगल कामना। मंगलवार को विजय शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर शक्ति की उपासना में रत रहेंगे मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर। विजयदशमी को दिखेगी बड़े फलक पर सामाजिक समरसता की झलक। गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में मंगलवार शाम निकलेगी विजय शोभा यात्रा। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के आगे स्वागत करेंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मूर्ति विसर्जन मार्ग बख्शीपुर से लेकर मूर्ति विसर्जन स्थल तक किया निरीक्षण। कहा, मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां हैं। पूरी जनपद पुलिस के साथ एसएसबी जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। गोरखपुर शहर क्षेत्र में लूट की कई घटनाएं कारित करने वाले शातिर वांछित लुटेरे राज गौड़ उर्फ बिट्टू गौड़ को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 13,500 रुपए, 2 मोबाइल, नशीला पदार्थ, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी द्वारा किया गया झंडारोहण। कहा, अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके आदर्शों पर चलने का दिलाया गया संकल्प। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। दशहरे पर निकलने वाले शोभा यात्रा की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की जा चुकी है बैठक। शोभा यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले बिजली के तारों को ऊंचा, सड़कों को गड्ढा मुक्त, मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाने का दिया गया है निर्देश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर निगम के सदन हॉल में महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन काल में देश को आगे बढ़ाने में किया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, लोगों को लेनी चाहिए सीख। भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी व शास्त्री जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत मां के लाल सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक थे श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी जी के 153वें व लाल बहादुर शास्त्री के 118वें जन्मदिवस पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा किया गया झंडारोहण। कहा, देश की आज़ादी व राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने की दिलाई शपथ। सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा एवं तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, महान विभूतियों के विचारधारा को हमें अपने जीवन में करना चाहिए आपके साथ। अपहरण कर दुष्कर्म करने व हत्या का प्रयास करने के आरोप में वांछित अभियुक्त चंदन निषाद को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवरात्र व दशहरे के त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हो गया है अलर्ट। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, त्योहारों के दौरान मिलावटखोर हो जाते हैं सक्रिय, सजग रहें, सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत। गोरखपुर
विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की धूमधाम से मनाई गई जयंती। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, इनके संदेशों का करे पालन, उस पर करे चर्चा और उनको उतारे अपने जीवन में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीएमओ कार्यालय पर किया गया झंडारोहण। कहा, दोनों महापुरुष सजगता, सरलता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण के थे मिसाल। और विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की रैली को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, यह रैली लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति करेगी जागरूक, सभी लोग करें यातायात नियमों का पालन। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चन किया तथा उसके बाद मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष शारदीय नवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर आते हैं तथा मंदिर में आयोजित कन्या पूजा कार्यक्रम में भाग लेते हैं तथा विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें मुख्यमंत्री योगी व गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका में रहते हैं। यह शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचती है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में स्थित सभी देवी देवता का पूजा अर्चन करते हैं तथा रामलीला मैदान में चल रहे कार्यक्रम में पहुंचकर राम सीता का आरती उतार कर रामलीला का समापन करते हैं। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि की मान में रविवार रात्रि गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण कर लोक कल्याण की मंगल कामना की। रविवार शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सोमवार से लेकर नौमी तिथि के मान में कन्या पूजन तथा दशमी तिथि पर गोरक्षपीठ से निकलने वाले परंपरागत विजय शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर उपासनारत रहेंगे। रविवार रात को महानिशा पूजा से पूर्व सप्तमी तिथि के मान में माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की सुबह व शाम के सत्र में विधि विधान से पूजा हुई। सुबह के सत्र में पूजन अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान रविवार रात गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 2 घंटे से अधिक चले अनुष्ठान में गोरक्षपीठाधीश्वर ने गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, माँ दुर्गा का विधिवत पूजन, भगवान राम लक्ष्मण सीता का षोडशोपचार पूजन, भगवान कृष्ण एवं गोमाता का पूजन, नवग्रह पूजन, विल्व अधिष्ठात्री देवता पूजन, शस्त्र पूजन, द्वादश ज्योतिर्लिंग, अर्धनारीश्वर एवं शिव शक्ति पूजन, बटुक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेदी पर उगे जौ के पौधे को वैदिक मंत्रों के बीच काटा, नारियल, कन्ना, केला, जायफल आदि की सात्विक पंच बलि दी। हवन की वेदी पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन कर पूजन किया, तदुपरांत लोक मंगल की कामना के साथ हवन किया। समस्त अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती के पाठ एवं वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। आखिर में आरती एवं क्षमा याचना के बाद प्रसाद वितरित हुआ। हवन पूजन एवं पाठ का संपूर्ण कार्यक्रम आचार्य अश्विनी त्रिपाठी की अगुवाई में श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यगण एवं वेदपाठी छात्रों ने संपन्न कराया। इस अवसर पर एडीजी अखिल कुमार, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महंत रविन्द्र दास, अरुणेश शाही, रणजीत सिंह, जवाहरलाल कसौदन, लाला अग्रवाल, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे, अवधेश सिंह, जनार्दन तिवारी, बंधु उपेंद्र सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, पवन त्रिपाठी, ओम जालान, हरि प्रकाश मिश्रा, विष्णु शंकर शुक्ला, अमित श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में गोरखनाथ मंदिर के भक्त उपस्थित रहे।
विजयदशमी का पर्व गोरक्षपीठ की विशिष्टता और इसके ध्येय की व्यापकता को एक बड़े फलक पर अवलोकन करने का भी अवसर होता है। सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत कर समग्र रूप में लोक कल्याण की भावना को संजोए इस पीठ से प्रतिवर्ष विजयदशमी को निकलने वाली विजय शोभा यात्रा अनूठी होती है। गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई वाली परंपरागत शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग तो शामिल होते ही हैं। इसका अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम व बुनकर समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत भी किया जाता है। गोरक्षपीठ ने कभी भी किसी को जाति या मजहब के चश्मे से नहीं देखा। गोरखनाथ मंदिर परिसर में अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे दुकानदार बहुतायत में हैं जो पीढ़ियों से यही रोजी रोजगार में रत हैं। सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ रोजाना सुबह फरियादियों की समस्याओं का समाधान कराते थे तो उसमें सर्वाधिक संख्या अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष महिलाओं की होती थी। और आज के दौर के जब भी यहाँ सीएम का जनता दर्शन कार्यक्रम होता है तो भी यह नज़ारा देखने को मिलता है। दशहरे के दिन गोरखनाथ मंदिर की विजयदशमी शोभा यात्रा का इंतजार तो पूरे शहर को होता है, लेकिन सबसे अधिक उत्साह अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों में दिखता है जो मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर घंटों पहले फूलमाला लेकर गोरक्षपीठाधीश्वर के स्वागत को खड़े रहते हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर का काफिला जब यहाँ रुकता है तो सामाजिक समरसता की वह तस्वीर विहंगम होती है। परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी विजयदशमी के दिन मंगलवार सायंकाल गोरखनाथ मंदिर से गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने वाहन में सवार होंगे। तुरही नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। यहां पहुंचकर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उनकी शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहां चल रही रामलीला में वह प्रभु श्री राम का रास तिलक करेंगे। इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती भी उतारी जाएगी। यही नहीं, विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में होने वाले पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देंगे। विजयदशमी के दिन शाम को गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का भी आयोजन होगा, जिसमें अमीर गरीब और जाति मजहब के विभेद से परे बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं। गोरक्षपीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में भी खास होता है। इस दिन यहाँ संतों की अदालत लगती
होती है और दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण किया जाता है। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ के शीर्ष संस्था अखिल भारतवर्षीय अवधूत भीष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। इस पद पर वह दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी को पात्र पूजा का कार्यक्रम होता है। इसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर संतों के आपसी विवाद सुलझाते हैं। विवादों के निस्तारण से पूर्व संतगण पात्र देव के रूप में योगी आदित्यनाथ का पूजन करते हैं। पात्र देवता के सामने सुनवाई में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। पात्र पूजा संत समाज के अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। नवरात्र के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर के मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापना की थी। शक्ति आराधना के अनुष्ठान के क्रम में नवमी तिथि को मंगलवार पूर्वाह्न सीएम योगी दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारेंगे। उसके माथे पे रोली चंदन दही अक्षत का तिलक लगा विधि विधान से पूजन करेंगे। पूरी श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। इस दौरान परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया जाएगा। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन व शोभा यात्रा के निकलने वाले मार्ग बख्शीपुर नकास रेती चौक घंटाघर महेवा चुंगी एकला बंदा होते हुए मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। जगह जगह पर माता दुर्गा की प्रतिमा को बैठाया गया है। त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन व शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए बाहरी जिलों के फोर्स के साथ एसएसबी जवानों को भी बुलाया गया है। अगर कहीं पर भी कोई अराजक तत्व त्योहार में किसी तरह का खलल डालता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा, देखिए जैसा कि सभी को अवगत है नवरात्रि और दुर्गा पूजा का त्योहार इस समय पर चल रहा है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। इसके साथ साथ जो विसर्जन जो जुलूस है उनके जो मार्ग हैं, आज हमारे और डीएम साहब द्वारा शहर का जो मुख्य मार्ग है उसका भ्रमण किया जा रहा है। हमारे साथ जनपदीय पुलिस के साथ साथ एसएसबी की भी फोर्स हमारे साथ है। पूरे रूट को कैसे सुरक्षित और सुगमता पूर्वक श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए और आयोजकों के लिए सकुशल संपन्न इस त्यौहार को कराया जाए, इसके लिए उनके साथ समन्वय भी बनाया जा रहा है, संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। जो अराजक तत्व है उनकी गतिविधियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया टीम हमारी एक्टिव है, 24 घंटे इस चीज के ऊपर नजर रखे हुए है। मुझे पूरी आशा है कि सुरक्षा के सुदृढ़ घेरे में ये पूरा जो त्यौहार है वो संपन्न कराया जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ आवश्यकता है हमारे पास जनपदीय पुलिस के अलावा एसएसबी की फोर्स आई है, गैर जनपद से भी फोर्स आया है, सभी आयोजनों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। कैंट थाने की पुलिस ने शहर में लूट की कई घटनाएं करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राज गौड़ उर्फ बिट्टू गौड़ पुत्र राजेंद्र गौड़ निवासी उन्नौला डोयम थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट के 13,500 रुपये नगद, 2 मोबाइल, 50 ग्राम नशीला पाउडर, लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त द्वारा पूछने पर बता रहा है कि मैं अपने साथी अमन साहनी उर्फ छोटे पन्ने उर्फ लक्ष्मण पुत्र फरीखन निवासी उन्नौला अवल थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर अपने शौक व नशे को पूरा करने के लिए शहर में घूम घूम कर लोगों से मोबाइल, पर्स व चैन छिनैती की घटनाएं कारित करता हूं और अपराध करने के लिए अलग अलग रेशर गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम लोगों को कोई पकड़ ना सके।
हम दोनों ने मिलकर दिनांक 29 सितंबर को शहर क्षेत्र के हरिओम नगर तिराहे से मोबाइल व शाहपुर थाना क्षेत्र से पर्स छिनैती की घटना को अंजाम दिए थे तथा 30 सितंबर को शाहपुर से एक और महिला का पर्स छीना था जिसमें 60,000 रुपए था जिसे हम लोगों ने आपस में बांट लिया था। कड़ाई से पूछताछ करने पर राजगौर द्वारा बताया गया कि हम लोग बहुत दिन से लूट व छिनैती की घटनाएं करते हैं। 3 सितंबर को पैडलीगंज में भी एक महिला से हम दोनों ने एक पर्स छीना था। शहर में कई सारी घटनाएं हम दोनों ने चैन व पर्स व मोबाइल छिनैती की किया है। आज भी हम लोग लूट की घटना कारित करने के लिए फिराक में आए थे कि आप लोग चेकिंग कर रहे थे तो हम दोनों डर के भागने लगे। मेरा दोस्त अमन साहनी मौका पाकर भाग गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, पैडलीगंज चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद साहनी, उप निरीक्षक नितिन श्रीवास्तव, कांस्टेबल संजीत यादव, राजेश यादव शामिल रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कमिश्नरी में कमिश्नर रवि कुमार एनजी द्वारा झंडारोहण किया गया तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही कमिश्नर सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसके संबंध में अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर के चारों मंजिलों के जनपदवासियों को गांधी जयंती की बधाई देता हूँ। महात्मा गांधी द्वारा हमारे देश के लिए संघर्ष करने के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है और आज़ादी के बाद हर साल 2 अक्टूबर को झंडारोहण के साथ तरह तरह के कार्यक्रम किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और सारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने कहा, गांधी जयंती जो है के लिए हमारे मंडल गोरखपुर के चारों जनपदों के जनवासियों के लिए जो है बधाई देता हूं कि महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए जो है बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है और आज़ादी के बाद आज हम हर साल जो है 2 अक्टूबर को एक ये प्रोग्राम बनाते हैं जिससे सब लोगों को जानकारी मिले कि हमें महात्मा गांधी ने जो भी अपने जो भी का कॉन्सेप्ट था अहिंसा का जो है हमारी स्वदेशी का और इसके अलावा जो है ये सारे प्रोग्राम जो है हमारे लिए जो है हमारा देश आगे उसी आगे बढ़ा है उसी देश कहेंगे सर दोनों महापुरुषों के बारे में। नहीं, महापुरुषों ने जो है देखिए किसी भी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष बहुत सारे लोगों ने करना किया जाता है और हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष करने के बाद ये की है, मेहनत की है और मेहनत करने के बाद हम लोग जो है आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद आज हमारे 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में हम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर रहे हैं। धन्यवाद।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि रविवार को देश के दो महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा सत्य व अहिंसा करने पर विश्वास करते थे, जो कि अब भी लागू होता है। जिसने भी इसका पालन किया वह हमेशा अपने कार्यों में सफल रहा। देश को आजाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक विशेष योगदान है। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौर, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दशहरा पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों पर कहा कि दशहरा पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा व मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के साथ बैठक की गई है, जिसमें अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें कुछ कमियां निकल कर आई थी। कुछ जगहों पर सड़क, लाइट, बिजली के तार नीचे हैं तथा मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाने के लिए सभी को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दोबारा भी चेक किया जा रहा है, अगर कोई कमी निकल कर आती है तो दशहरा से पहले ठीक करवा लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, हो चुका ध्वजारोहण माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध प्रणवंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा में जागे तब शुभ आशीष मार्गदर्शन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता इनका जो प्रिंसिपल था उन्होंने फॉलो किया।
फेस्टिवल में भी अगर आप सही ढंग से देखें तो अगर हम लोग ये दो प्रिंसिपल फॉलो कर सकते था अहिंसा, तो आपका अपना घर का लाइफ अच्छा रहेगा, पड़ोस के साथ लाइफ अच्छा होगा, गली के साथ लाइफ अच्छा होगा, ऑफिस में लाइफ अच्छा होगा, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहिएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको सक्सेस दिखेगा। सत्यता का जो परिभाषा है ये सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि हम सामने वाले को सत्य बताएं, हम खुद से सत्य बताएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने आप पर झूठी सहानुभूति देते रहेंगे तो हम अपने अंदर का जो समस्या है उसका निस्तारण कभी नहीं कर पाएंगे। पहले तो अपने अंदर का समस्या जानना चाहिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप से सत्य बोलना चाहिए। अगर हम खुद से अगर सत्यता रखेंगे, सही बात अपने आप के अंदर फाइट करेंगे तो सुधार तो पक्का है। तो ऐसा नहीं है कि ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अंग्रेज चले गए तो ये कॉन्सेप्ट का आज के डेट में कोई मीनिंग नहीं है। इनफैक्ट आज के डेट में इसका सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग है। आप देखिएगा जो जन सुनवाई में हम लोगों से मिलते हैं, 80% समस्या तो इस बात का है कि लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। ये इसका जमीन खेल दिया है, उसका चक्कू खेल दिया है, लेकिन बात करने के लिए कोई फोरम नहीं है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा है, जिसके कारण समस्या और बढ़ता जा रहा है। तो ये अहिंसा एक माध्यम है, टॉक इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। ये सिर्फ पब्लिक में लागू नहीं होता, हम लोग के साथ भी लागू होता है। तो आज इस विचार को जब पूरा विश्व इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मना रहा है, अलग अलग जगह स्टैचू लगाया जा रहा है, तो कम से कम हम लोग को इस बात को एडमायर करना चाहिए कि ये एक व्यू है जो हमारे यहाँ ओरिजिनेट हुआ है और हम इसको आपस में ही इस लोकतंत्र को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसको अपनाए, अपने अंदर एक बाइस है। और इसी के साथ धन्यवाद। साथ में आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस त्यौहार के अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पे सभी को बधाई। इसके अलावा मैं लोगों से यही कहूँगा, जनपद वासियों को यही मैसेज एक देना चाहूँगा कि इनका जो प्रिंसिपल था सत्यता और अहिंसा, ये आज भी लागू होता है और जिसने भी इसका अनुपालन किया है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। सभी इसको इम्प्लीमेंट करें अपने अंदर और इसको लागू करें। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दशहरा पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों पर कहा कि दशहरा पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा व मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के साथ बैठक की गई है, जिसमें अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें कुछ कमियां निकल कर आई थी। कुछ जगहों पर सड़क, लाइट, बिजली के तार नीचे है तथा मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाने के लिए सभी को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दोबारा भी चेक किया जा रहा है, अगर कोई कमी निकल कर आती है तो दशहरा से पहले ठीक करवा लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, इसके लिए समस्त विभाग से कोऑर्डिनेशन मीटिंग करा लिया गया है। हमारे सभी SDM साहब लोग, ADM साहब लोगों ने एक जॉइंट मीटिंग भी किया, जिसमें जो जो कमियां निकल के आई थी, जैसे सड़क है, लाइट है, बिजली के तार कुछ नीचे हैं, कुछ अस्थाई तालाब बनाने का, तो वो सभी समस्या का निस्तारण करा लिया गया है। दोबारा भी चेक किया जा रहा है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। फिर भी कुछ कमी अगर निकल के आती है तो अभी 1 से 2 दिन हमारे पास है, उसको हम लोग ठीक करा लिया जा रहा है। सभी जगह ड्यूटी लगा दी गई है जॉइंट सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की, और इसको हम लोग निरंतर देख रहे हैं। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन सहित मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा में लेंगे भाग। बुधवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने विधि विधान से की महानिशा पूजा। सात्विक बलि देकर व हवन अनुष्ठान के बीच आदि शक्ति से की लोक कल्याण की मंगल कामना। मंगलवार को विजय शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर शक्ति की उपासना में रत रहेंगे मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर। विजयदशमी को दिखेगी बड़े फलक पर सामाजिक समरसता की झलक। गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में मंगलवार शाम निकलेगी विजय शोभा यात्रा। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के आगे स्वागत करेंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मूर्ति विसर्जन मार्ग बख्शीपुर से लेकर मूर्ति विसर्जन स्थल तक किया निरीक्षण। कहा, मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां हैं, पूरी जनपद पुलिस के साथ SSB जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। गोरखपुर शहर क्षेत्र में लूट की कई घटनाएं कारित करने वाले शातिर वांछित लुटेरे राज गौड़ उर्फ बिट्टू गौड़ को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 13,500 रुपए, 2 मोबाइल, नशीला पदार्थ, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कमिश्नर रवि कुमार NG द्वारा किया गया झंडारोहण। कहा, अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके आदर्शों पर चलने का दिलाया गया संकल्प। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। दशहरे पर निकलने वाले शोभा यात्रा की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की जा चुकी है बैठक। शोभा यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले बिजली के तारों को ऊंचा, सड़कों को गड्ढा मुक्त, मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाने का दिया गया है निर्देश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर निगम के सदन हॉल में महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन काल में देश को आगे बढ़ाने में किया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, लोगों को लेनी चाहिए सीख। भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी व शास्त्री जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत माँ के लाल सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक थे श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी जी के 153वें व लाल बहादुर शास्त्री के 118वें जन्मदिवस पर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा किया गया झंडारोहण। कहा, देश की आज़ादी व राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने की दिलाई शपथ। सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा एवं तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, महान विभूतियों के विचारधारा को हमें अपने जीवन में करना चाहिए आत्मसात। अपहरण कर दुष्कर्म करने व हत्या का प्रयास करने के आरोप में वांछित अभियुक्त चंदन निषाद को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवरात्र व दशहरे के त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हो गया है अलर्ट। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, त्योहारों के दौरान मिलावटखोर हो जाते हैं सक्रिय, सजग रहें, सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की धूमधाम से मनाई गई जयंती। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, इनके संदेशों का करे पालन, उस पर करे चर्चा और उनको उतारे अपने जीवन में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर CMO कार्यालय पर किया गया झंडारोहण। कहा, दोनों महापुरुष सजगता, सरलता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण के थे मिसाल। और विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की रैली को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, यह रैली लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति करेगी जागरूक, सभी लोग करें यातायात नियमों का पालन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
नगर निगम के सदन भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती नगर निगम परिवार ने मनाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान है। उस समय जब देश गुलाम था तब किसानों को अंग्रेजों द्वारा बहुत परेशान किया जाता था, तब गांधी जी ने आंदोलन चलाकर उनको आज़ाद करवाया, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी राहत मिली। उन्होंने नमक आंदोलन चलाकर एक अच्छा कार्य किया। पहले विदेशों से नमक आता था जो कि बहुत महंगे दामों में बिकता था, इस फैसले को उन्होंने खत्म किया तथा खादी आंदोलन चलाकर खादी को बढ़ावा दिया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हमारे नगर आयुक्त साहब ने बताया कपड़ा, रोटी कपड़ा और बादाम, तो कपड़ा था तब उस कफन मिलता था। महात्मा गांधी ने अभियान चलाया, कॉटन हमारे देश में होता है, अंग्रेज से ले जाता है, कपड़ा बनाकर हमें कंट्रोल से देता है मांगे दाम पर। उन्होंने कहा हम स्वदेशी को अपनाएंगे और उन्होंने सूत काटना शुरू किया और लोगों से आग्रह किया आप खादी का इस्तेमाल करिए, अंग्रेजों के वस्त्र को त्याग करिए, और एक अभियान चला, उसकी बहुत बड़ा सफलता मिली। मैं आप लोगों से कहूँगा कि महात्मा गांधी को सबसे बड़ी सम्मान होगा कि हम खादी के वस्त्रों को जरूर साल में एक दो जोड़ी अपने घर में ले जाए, इससे गरीबों को लाभ होता है, उनके घर में पैसा जाता है। बातें बहुत सी हैं, हमें याद है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक पेपर में छपा था, जब 65 का युद्ध शास्त्री जी लड़ रहे थे, एक महात्मा की तरह, एक दृढ़ संकल्प राजनेता की तरह, तो अपने स्क्रीन पर देख रहे थे कि कहां भारत कमजोर पड़ रहा है, कहां इसकी जरूरत है, उसका नेतृत्व भी कर रहे थे। और एक माँ के कार्यालय से एक न्यूज आया था कि माँ हमारे शास्त्री जी युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1669 हुआ। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम श्रीमती पुतली बाई था। हमारे गुरुजन बिंदु उपस्थित है, देखिए हमारे दो महापुरुष जो देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, उनकी जयंती गोरखपुर नगर निगम परिवार, हमारे अधिकारी, हमारे उपसभापति, हमारे पार्षद यहाँ पर मिल करके मना रहे हैं। जैसा सरकार का निर्देश है हम लोग इस पर कर रहे हैं, और गांधी जी और शास्त्री जी के विस्तृत व्यक्तित्व पर हमारे सभी लोगों ने चर्चा की है, नगर आयुक्त साहब ने विस्तृत से बताया है कि इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। जो हमारे स्वतंत्रता के पहले जब अंग्रेज़ हमारे देश पर कब्जा किए थे तो हमारी प्राथमिकता थी कि हम अंग्रेज़ों से इसको आज़ाद कराएं, और इसमें हमारे लोगों को काफ़ी परेशानी थी, विशेषकर हमारे किसान भाइयों को जो नील की खेती करते थे उनको बहुत प्रताड़ित किया जाया था। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में बिहार में आग आंदोलन चलाया और उनको इससे आज़ादी दिलाई, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी राहत मिली। साथ ही साथ नमक आंदोलन चला करके देश के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया, हम बड़े ऊंचे दाम पर विदेशों से नमक मंगा कर खाते थे और अंग्रेजी शासन काल में हमें नमक बनाने की इजाज़त नहीं मिलती, इसको उन्होंने ख़त्म किया। साथ ही देश में कपड़े जो आते थे वो इंग्लैंड और अन्य देशों से आते थे और लोगों को
कपड़े नहीं मिलते थे, पहनने के लिए बात तो अलग है, अंतिम संस्कार के लिए भी कपड़े नहीं मिलते थे, उन्हें कोटे पर मिलता था और दो दो दिन तक डेड बॉडी पड़ी रहते थे। इसको गांधी जी ने अपना खादी आंदोलन चलाकर इस मिथक को भी तोड़ा और उन्होंने खादी आंदोलन से देश को काफ़ी लाभ हुआ, हमारा आर्थिक शोषण से मुक्ति मिली। शास्त्री जी 1965 की लड़ाई में हमारे देश के लिए बहुत ही शानदार काम किया था और हमने पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए थे, ये शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम रहा। हमारे देश में शास्त्री जी के समय में पीछे भी अनाज की बहुत कमी थी, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। शास्त्री जी ने एक अभियान चलाया, जय जवान जय किसान, जवानों को जहाँ मजबूत किया वहाँ किसानों को भी मजबूत किया और खेती के लिए लोगों को भरपूर साधन उपलब्ध किया। साथ ही साथ एक आंदोलन और भी उन्होंने चलाया था और लोगों से कहा था कि आप हफ्ते में एक दिन भोजन न करें तो इससे काफ़ी अन्न बचेगा और गरीब लोगों को भी अनाज मिलेगा। गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पहुंचकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत माँ के लाल, सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक जय जवान जय किसान के प्रणेता श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री, दोनों महापुरुषों ने राष्ट्र सेवा में अपना सब कुछ समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के स्वच्छता के प्रति लगाव को केंद्र मानकर पूरे देश में लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है। आधुनिक विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महान समाज सुधारक व स्वदेशी से स्वावलंबन दर्शन के प्रणेता महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले आजादी के महानायक थे। गांधी जी का दर्शन समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान दिलाना था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान दिलाने का काम कर रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, सिद्धांतो घोष, रमेश चंद्र गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, गौरव तिवारी, अजय त्रिपाठी, आनंद अग्रहरी, शिव प्रकाश शर्मा, रूपेश गुप्ता, अष्टभुजा श्रीवास्तव, अजमेर आलम, सत्यार्थ मिश्रा, अनुभव वाजपेयी सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा। आज पूज्य महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। पूरा देश इन दोनों महापुरुषों को अपना श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता अपने महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पूज्य महात्मा गांधी जी की को लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्प चढ़ा करके माल्यार्पण करके
उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों के जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ती रही है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के आज 2 अक्टूबर उच्च महात्मा गांधी जी के जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में लगातार कार्यक्रम कर रही थी और आज सेवा पखवाड़ा का आखिरी दिन है। हम सब उच्च महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को पूरे देश भर में याद कर रहे हैं। उन्होंने जो देश के लिए अपनी सेवाएं दी, देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दिया, उनसे प्रेरणा लेकर के देश की युवा पीढ़ी आगे काम करे, इसके लिए हम सब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर विशेष रूप से जो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो अपने जीवन में जिया था कि स्वच्छता का और देश के लिए कुछ काम करने का और खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने का, इन सब कामों को अवेयरनेस करने का काम, खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने का काम या स्वच्छता के अभियान को भी आगे बढ़ाने का काम, और इसलिए गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता गोरखपुर में तय किया है कि जहां दोनों महापुरुषों की जयंती मनाएंगे, वहीं धार्मिक स्थलों पर माँ बुढ़िया माई के स्थान पर जाकर के प्लास्टिक मुक्त मंदिर कैसे हो, इसका अभियान भी अभी यहां से जाकर चलाने वाले हैं। गोरखपुर जिले के कार्यकर्ता तरकुलहा देवी मंदिर पर जाकर के वहां पर प्लास्टिक मुक्त अभियान चला करके स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और इसी प्रकार विभिन्न जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। दोनों महापुरुषों को याद करते हुए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब देश आज़ादी के 75वें वर्ष को मना रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो देश इस देश के महापुरुषों को याद करते हुए अभी 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण किया और पूरे देश में महापुरुषों की जयंतियाँ मना करके महापुरुषों को याद करके अमृत महोत्सव के रूप में जब देश 75वां वर्ष मना रहा है तो उनको याद करने का काम कर रहा है। भारत की स्वाधीनता में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 153वें जन्मदिवस पर एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री के 118वें जन्मदिवस पर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में झंडारोहण किया गया तथा महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा देश की आज़ादी और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने और भी मजबूत बनाने की शपथ दिलाई गई, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के दिखाए हुए पथ, सत्य और अहिंसा और साथ ही साथ जय जवान जय किसान के नारे का स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता है और सारे देशवासी उनके दिखाए हुए इस पथ पर चलेंगे और देश को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा जीतता है और अहिंसा का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है और साथ ही साथ जय जवान जय किसान जो अन्नदाता हमारे लिए किसान फसल उगाता है और राष्ट्र की रक्षा बॉर्डर पर जो जवान करता है, इन दोनों के प्रति सम्मान होना चाहिए। इस अवसर पर SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, कोतवाली CO रामेश्वर सिंह, CO कैंपियरगंज सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि रक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म भाषा प्राण संबंधी। देखिए, आज पूरा राष्ट्र जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को स्मरण कर रहा है, उनके दिखाए हुए पथ सत्य और अहिंसा और साथ ही साथ जय जवान जय किसान के नारों को स्मरण करते हुए उनको नमन करता है। मैं पूरी आशा करता हूं कि सभी देशवासी उनके दिखाए हुए इस पथ पर चलेंगे और देश को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। देखिए, उनके द्वारा जो हमें पथ दिखाया गया है सत्य और अहिंसा, जो उस समय पर जितना महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आज के युग में भी उसकी बहुत महत्ता है। हमें उस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, सत्य हमेशा जीतता है और अहिंसा का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है और साथ ही साथ जय जवान जय किसान
जो कि अन्नदाता हमारे लिए किसान उगाता है और साथ ही साथ राष्ट्र की रक्षा बॉर्डर पर जो हमारा जवान करता है, इन सभी इन दोनों के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। सम्मान करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सदर तहसील में झंडारोहण किया गया। इसके साथ ही सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा एवं तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा सर्वजन सभा कर उनके विचारों को आदान प्रदान किया, जिसके संबंध में तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर तहसील के प्रांगण में झंडारोहण किया गया। उसके बाद गांधी जी के विचारों पर चर्चा की गई और लोगों को जागरूक भी किया गया कि महान विभूतियों के द्वारा जो भी विचार दिए गए हैं उनके अपने जीवन में उतारें। उन्होंने कहा कि आज गांधी जी नहीं है, लेकिन गांधीवाद के रूप में उनकी विचारधारा जीवंत है और इस विचारधारा को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने कहा, आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी। इस अवसर पर तहसील प्रांगण में 9 बजे शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद इनके विचारों पर तहसील मीटिंग हॉल में चर्चा की गई और लोगों को इसके बारे में बताया गया कि इन महान विभूतियों के द्वारा जो भी विचार दिए गए हैं उनको अपने जीवन में उतारें और उनके अनुरूप अपने जीवन को सुखमय बनाएं, इनके विचारों को आत्मसात करें। इन्हीं बारों में चर्चा किया गया। क्या कहना है, यही है कि आज गांधी जी तो नहीं हैं, लेकिन आज गांधीवाद के रूप में उनकी विचारधारा जीवंत है और इस विचारधारा को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कैंपियागंज थाने की पुलिस ने अपहरण कर दुष्कर्म करने व हत्या का प्रयास करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंपियागंज थाना प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान चंदन निषाद पुत्र बैजनाथ उर्फ भरथरी निवासी कुल्हरिया टोला लालपुर थाना कैंपियागंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंपियागंज थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त काफी दिनों से वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंपियागंज के उप निरीक्षक कमलेंद्र सिंह, कांस्टेबल विकास वर्मा शामिल रहे। जनपद में नवरात दशहरा के त्यौहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि त्यौहार के मौसम में बाजार में मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि त्यौहार का मौसम उत्सव का मौसम होता है, नवरात में व्रत और फलाहार के नाम पर बाजार में तमाम तरह के नकली चीज़ें तैयार करके बेच रहे हैं। दशहरा और दिवाली में मिठाइयाँ लोग खरीदते हैं, जिसमें मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि त्यौहार में जो भी तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं वह घर पर ही बनाएं। इस मौसम में मिलावटखोर मिलावटी मिठाइयां, खोवा, दूध तथा तरह तरह के पदार्थ मिलाते हैं तथा लोगों को आकर्षित करने के लिए मिठाइयों में तरह तरह के भ्रामक रंग मिलाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। उन्होंने कहा कि रंगीन मिठाई का सेवन बिल्कुल न करें और दूध से बने जितने भी उत्पाद बाजार में हैं उनका सेवन त्यौहार के मौसम में वर्जित करें। बाजार से दूध, मावा, मक्खन, मेवा लाकर घर खाने वाली चीज पर ही बनाएं, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। त्यौहार में अधिकतर मिलावटखोर बाजार में काबिज रहेंगे और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। उन्होंने कहा कि सजग रहें, सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, त्यौहार को लेकर देखिए कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा त्यौहार का सीजन अब लगभग एक माह तक त्यौहार ही त्यौहार है। अब नवरात्र का पूर्णिमा पखवाड़ा हमारा सप्ताह चल रहा है, आज सप्तमी का दिन है, कल अष्टमी, फिर नवमी, फिर दसवीं, फिर दशहरा,
फिर इसके बाद 12 वफात आएगा, फिर इसके बाद हमारी दीपावली आ जाएगी। तो इस त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता के साथ साथ पूरी आवाम की जनता से आग्रह करूंगा कि आजकल लोगों का यातायात सफ़र बढ़ जाता है, जो लोग बाहर विदेश में बाहर गैर प्रदेशों में कमाने घर से अपने जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं, अपने घर आते हैं और रास्ते में वो जहर खुरानी का शिकार हो जाते हैं, जो चालबाज होते हैं उनकी मीठी बातों में आकर के उनके द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ का ग्रहण सेवन कर लेते हैं, जिससे कि वो नशे की बलभूत हो जाते हैं और वो लूट करके चले जाते हैं। तो मेरा सभी से आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति से, मैं तो ये कहूँगा किसी भी व्यक्ति से कोई भी खाद्य पदार्थ मत लीजिए, कोई पेय पदार्थ मत लीजिए। वहाँ से चलने का कोई भी सफ़र जो होता है 18 से 20 घंटे से ज़्यादा मैक्सिमम कोई भी यात्रा गोरखपुर आने के लिए नहीं करनी पड़ती। अगर आप चलते हैं तो अपने साथ अपना खाना अपना पानी स्वयं लेकर के चलिए, अपना खाद्य पदार्थ न किसी को दीजिए न किसी दूसरे से ग्रहण कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको स्टेशन पर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी स्वयं जा कर के आप अपने बोतल में पानी भरिए या अपने पात्र में पानी भरिए, किसी अपरिचित व्यक्ति को पानी लेने के लिए मत भेजिए। और अगर आपको चाय या बिस्किट या कुछ खाने की ज़रूरत है तो आप खुद जा कर के वेंडर की दुकान से क्रय करके ले आइए, उसका सेवन करिए। किसी आपके बगल में जो बैठा व्यक्ति है वो अगर आपसे बात करके आपसे मित्रता कर ली है, उसके झांसे में मत आवें और न ही उसके द्वारा किसी दिए हुए पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ का सेवन, अन्यथा आप जहर खुरानी के शिकार हो जाएंगे। जो गाढ़ी कमाई लेकर के आप वापस आ रहे हैं वो सब रास्ते में लूट लेगा। देखिए आजकल त्यौहार का सीज़न शुरू हो गया है और त्यौहार में बाज़ार में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। त्यौहार का मौसम उत्सव का मौसम होता है, ये हम लोगों का शुभ सप्ताह नवरात्र चल रहा है। नवरात्र में व्रत और फलाहार के नाम पर बाज़ार में तमाम तरह के अपव्ययी मिश्रण तैयार करके लोग बेच रहे हैं। दशहरे के उपलक्ष्य में तमाम तरह की मिठाइयाँ जिसमें मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं वो करेंगे, दीपावली पर भी इसी तरह से करते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्रयास ये कीजिए, अपनी खाद्य सामग्री अपने घर में स्वयं बनाइए, बाज़ार से जो उसका रॉ मटेरियल होता है खरीद कर ले आएँ और स्वतः बनाएँ। इस मौसम में दूध के बने उत्पाद पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जितना उत्पाद आज बाज़ार में बिक रहा है उतना दूध का उत्पादन शायद नहीं हो रहा है। इसी का फ़ायदा उठा करके मिलावटखोर, मिलावटी मिठाइयाँ, मिलावटी खोवे और मिलावटी अन्य खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए उसमें तरह तरह के भ्रामक रंग मिलाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। कृपया बहुत आकर्षित करने वाली बहुत रंगीन मिठाई का सेवन न करें, दूध और दूध के बने जितने भी उत्पाद बाज़ार में हैं उनका सेवन त्यौहार के सीज़न में आप लोग वर्जित कर दीजिए। दूध खुद खरीद के ले आइए, उसका मखाना, उसका मेवा मावा या उसकी मिठाई स्वयं बनाइए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। वरना मिलावटखोर आज त्यौहार तक अत्यंत काबिज रहेंगे बाज़ार पर और वो हमारे स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है, सजग रहें, सतर्क रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में स्थित महात्मा गांधी के तैलचित्र पर पुष्पार्चन कर राष्ट्रपिता के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा संवाद भवन में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के द्वारा महात्मा गांधी एवं शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि आज यही संदेश है कि हम गांधी जी तथा शास्त्री जी के संदेशों का पालन करें, उस पर चर्चा करें और उनको अपने जीवन में उतारें। अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसिद्ध कथन की चर्चा करते हुए कहा कि गांधी जी भारत के ही नहीं विश्व के शांति दूत हैं, हम गांधी जी के विचारों को अपने जीवन शैली में अपनाएं।
हम 21वीं सदी तथा नई शिक्षा नीति पर कार्य कर रहे हैं। आज बाजार आधारित शिक्षा तथा प्रतिस्पर्धा का दौर है, लेकिन हम मूल आधारित शिक्षा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन महापुरुषों के विचारों पर आधारित शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी कहते थे कि आज़ादी का कोई अर्थ नहीं अगर इसमें गलतियों से सीखने की आज़ादी ना हो। छात्र उनकी जीवन शैली को समझ और अपने जीवन में उतार सकते हैं, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुष्पांजलि किया जा रहा है। सम्मानित शिक्षकगणों के द्वारा हमारे चीज पर पुष्पांजलि किया जा रहा है। वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, हमारे शिक्षक दोनों गांधी जी को वरन हम एक सशक्त संभालेंगे तभी एक सशक्त गांधी मेरे कंसोल वर्ष की है, उत्तर प्रदेश हमारे महात्मा गांधी रहते हुए और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों का जन्म दिवस है कि किसी भी और आज मुझे ऐसा लगता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद अगर जो कोई एक शख्सियत है जो हमारे भारतीयता पे करती है वो 2 अक्टूबर है। हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे जिनके आदेशों को उनके वाक्यों को उनके उनके जीवन शैली को याद करें और अपनी जीवन शैली में ढालने की कोशिश करें। इसीलिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं सभी लोग। हम लोग यहाँ पे कुछ भजन का भी कार्यक्रम है और मैं यही संदेश दूंगा कि मेरे छात्र हमारे शिक्षक उनकी जो उनके संदेश थे उनके आदेश थे उस पर उसको अपने आचरण में ढालने की कोशिश करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिला अस्पताल में सीएमओ कार्यालय पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे के द्वारा झंडारोहण कर राष्ट्रगान किया गया तथा दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि 2 अक्टूबर का दिन बड़ा महान होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो लोग सजगता सरलता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की मिसाल थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी का संदेश था कि समस्त ब्रह्मांड एक जीव है और उसमें रहने वाले सभी लोग परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए गांधी जी ने सत्य अहिंसा का संदेश दिया था। किसी भी मानव और जीव को कोई हिंसा पहुंचाता था तो उनको पीड़ा होती थी। उन्होंने सबको आत्मा का रूप मानते हुए संदेश दिया था, इसलिए उनका अहिंसा का धर्म सर्वोपरि रहा और आज
भी जो लोग उनके आदर्श को मानते हुए चलते हैं वो सफलता के परचम लहराते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए 2 अक्टूबर का दिन बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे जिन्होंने महकाया हिंदुस्तान। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो लोग सरलता, सजगता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की मिसाल थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगान किया गया और सभी लोगों ने इन पुण्य आत्माओं को कृतज्ञता से नमन किया। साथ ही साथ गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। आज के दिन हमारे जनपद में विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, मलिन बस्तियों में चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, रोडवेज कर्मचारियों ड्राइवरों के नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई और मेले का आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का एक संदेश जो था कि समस्त ब्रह्मांड जो है वो जीव है और उसमें रहने वाले सभी लोग जो हैं परमात्मा के ही अंश हैं, इसीलिए सत्य अहिंसा का उन्होंने संदेश दिया था। किसी भी मानव को, किसी भी जीव को यदि कोई हिंसा पहुंचाता था तो उनको बहुत पीड़ा होती थी। उन्होंने सबको ब्रह्म मानते हुए और एक ही आत्मा के रूप को मानते हुए संदेश दिया था, इसीलिए उनका अहिंसा का धर्म जो था वो सर्वोपरि रहा और आज भी उसी पर लोग आदर्श मानते हुए जो चलते हैं वो सफलता का परचम लहराते हैं। स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर की जनता को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया है और संचारी रोग हमारा महाअभियान कल से प्रारंभ हो गया है। संचारी रोग में हम लोगों ने जो हमारे 11 विभाग समन्वित होकर के अपना कार्य करते हैं, सब लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। नालियों की सफाई, पानी का ड्रेनेज, झाड़ियों की कटाई, चूहों की रोकथाम, स्कूलों में शिक्षा, सुअर बाड़ों को आबादी से दूर करना, छिछले हैंडपम्प जो इंडियामार का हैंडपम्प है का पानी पीने की सलाह देना, जो हमारे इंडियामार का पम्प के चारों तरफ जहाँ पर कंक्रीट नहीं है वहाँ का कंक्रीट का चबूतरा बनाना, जो छोटे वाले हैंडपम्प हैं उनको लाल निशान से चिन्हित करना, इसके साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों में जागरूकता, पोषण के प्रति जागरूकता, बीमारियों से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता के तमाम संदेश हमारी टीमें गांव-गांव घर-घर जाकर के देना प्रारंभ कर दी हैं और मुझे उम्मीद है गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर के स्वास्थ्य की एक नई कथा लिखेगा। जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है, जिसको देखते हुए विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान का शुभारम्भ किया गया है तथा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह रैली लोगों को पूरे शहर में घूम घूम कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया है। उन्होंने कहा, दोपहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी ना बैठें, घर से बाहर हेलमेट लगाकर ही चलें, क्योंकि आप स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। इस अवसर पर राजकीय जुबली कॉलेज के उप प्रधानाचार्य किरण कुमार अहेतो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, और सभी मंडल और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज 2 अक्टूबर 2022 यानी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान मनाया जा रहा है। दो पहिया वाहन चलाते समय चालक और सवार हेलमेट अवश्य पहनें। याद रखें, उच्च गुणवत्ता वाला हेलमेट सिर पर भारी चोटों की संभावना को सदैव का प्रयोग चक्कर से बढ़ाता है।
नशा करके कोई भी वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, इससे ध्यान भंग होता है और दुर्घटना की संभावना होती है। सबसे पहले हम लोगों ने आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने का काम किया है। उसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए हम और जिलाधिकारी महोदय संयुक्त रूप से इस अभियान में शामिल हुए हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि आप लोग अगर शहर में निकलते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, तीन सवारी कतई नहीं मोटरसाइकिल पर बैठाएं, और अगर फोर व्हीलर से निकलते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। वह जीवन बहुत अमूल्य है और अपने जीवन की सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हैं और आपके घर पर आपके बीवी बच्चे आपके माता पिता आपका इंतज़ार करते हैं, इसलिए आप लोग सुरक्षित होकर के वाहन चलाने का प्रयास करें, यही प्रयास किया गया। पूरे भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और प्रशासन के लोग 2 अक्टूबर के अवसर पर हर तरह का कार्यक्रम हो रहा है, चाहे आप देखें स्वच्छता के क्षेत्र में आज विशेष अभियान लगा करके हम लोगों ने काम किया है। तो यह गोरखपुर को आप नहीं कह सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश और देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि गंदगी न फैलाएं, सड़क पर निकलते हैं तो आप सुरक्षित घर वापस हो जाएं, ऐसी व्यवस्था आपके हाथ में तो आप उसको सुनिश्चित करें। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। 4 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन सहित मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा में लेंगे भाग, बुधवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने विधि विधान से की महानिशा पूजा, सात्विक बलि देकर व हवन अनुष्ठान के बीच आदि शक्ति से की लोक कल्याण की मंगल कामना। मंगलवार को विजय शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर शक्ति की उपासना में रत रहेंगे मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर। विजयदशमी को दिखेगी बड़े फलक पर सामाजिक समरसता की झलक, गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में मंगलवार शाम निकलेगी विजय शोभा यात्रा। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के आगे स्वागत करेंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मूर्ति विसर्जन मार्ग बख्शीपुर से लेकर मूर्ति विसर्जन स्थल तक किया निरीक्षण। कहा, मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां हैं, पूरी जनपद पुलिस के साथ एसएसबी जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। गोरखपुर शहर क्षेत्र में लूट की कई घटनाएं कारित करने वाले शातिर वांछित लुटेरे राज गौड़ उर्फ बिट्टू गौड़ को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 13,500 रुपए, 2 मोबाइल, नशीला पदार्थ, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी द्वारा किया गया झंडारोहण। कहा, अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके आदर्शों पर चलने का दिलाया गया संकल्प। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। दशहरे पर निकलने वाले शोभा यात्रा की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की जा चुकी है बैठक। शोभा यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले बिजली के तारों को ऊंचा, सड़कों को गड्ढा मुक्त, मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाने का दिया गया है निर्देश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर निगम के सदन हॉल में महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन काल में देश को आगे बढ़ाने में किया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, लोगों को लेनी चाहिए सीख। भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी व शास्त्री जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत मां के लाल सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक थे श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी जी के 153वें व लाल बहादुर शास्त्री के 118वें जन्मदिवस पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा किया गया झंडारोहण। कहा, देश की आज़ादी व राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने की दिलाई शपथ। सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा एवं तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, महान विभूतियों के विचारधारा को हमें अपने जीवन में करना चाहिए आत्मसात। अपहरण कर दुष्कर्म करने व हत्या का प्रयास करने के आरोप में वांछित अभियुक्त चंदन निषाद को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवरात्र व दशहरे के त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हो गया है अलर्ट। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, त्योहारों के दौरान मिलावटखोर हो जाते हैं सक्रिय, सजग रहें, सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की धूमधाम से मनाई गई जयंती। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, इनके संदेशों का करे पालन, उस पर करे चर्चा और उनको उतारे अपने जीवन में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीएमओ कार्यालय पर किया गया झंडारोहण। कहा, दोनों महापुरुष सजगता, सरलता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण के थे मिसाल। और विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की रैली को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, यह रैली लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति करेगी जागरूक, सभी लोग करें यातायात नियमों का पालन। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।